ओवन को 10 मिनट्स जब भी काम कर रहे हो उसके पहले गर्म करना ज़रूरी है। लाल लहू हो चुका है, ये पिज़्ज़ा बन के रहेगा आज। ये पिज़्ज़ा का बेस है जो हमने मार्केट से खरीदा है, इसके ऊपर लगाया गया है घी, काऊ मिल्क सुकाऊ मिल्क, काऊ घी घी से। अब जरा कटाई हो रही है प्याज की। ये टोबैस्को सॉस है, आप कोई और भी डाल सकते हो, मुझे तो यही पसंद है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी रहता है। इनफैक्ट मेरा एक शॉर्ट्स का वीडियो भी है जिसमें मैं पूरा सॉस पी रहा हूँ। नाखोपन आटला में शू खावा पर मैं कौन मुझे ये, मतलब कोई भी घर में बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ पर मैं कभी बनाता नहीं। मम्मी का ये कहना है जब तक कुंवारा है तब तक मैं बना के दूंगी, उसके बाद बीवी आएगी तो तुमको लात मार के खुद ही खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, है ना मम्मी? यस। और ये कैप्सिकम कट रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ा शेफ बनने की ज़रूरत नहीं, जैसे मन में आए काटो और डालो। पिज़्ज़ा का कंसेप्ट किसी को ना पता तो बता दूँ, पिज़्ज़ा बेसिकली क्या, एक ब्रेड है उसके ऊपर जो टॉपिंग्स आपको डालनी है आप डाल के बना के खा सकते हो, यही इसका कंसेप्ट। तो आपने देखा टोबैस्को सॉस गया, प्याज गया, कैप्सिकम गया, और अभी हम डाल रहे हैं श्रेडेड चीज़। ये वाली चीज़ यूज़ करो बिकॉज उससे क्या आपको कटिंग नहीं करना पड़ेगा, ये सीधा आपको अमूल चीज़ अमूल चीज़ है जो सीधा आपको उसको स्प्रेड ही कर देना है। अभी चीज़ मतलब और ये लिक्विड चीज़ नहीं है, नॉर्मल अच्छी वाली चीज़ है, लिक्विड चीज़ वैसे भी पसंद नहीं है हमें। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना आपको जितना आप डाइजेस्ट कर पाते हो। मैं तो जितना भी खाऊँ मैं डाइजेस्ट कर लूँगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो मैं कोई सॉस केचप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इतना पसंद नहीं है, ज़्यादातर स्पाइसी प्रेफर करता हूँ। तो मेरे ड्रेसिंग में कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ही बेसिक मिलेगा। ये आप देख सकते हो, मैं ये वाले दो ऑलिव्स है वो डालूंगा, ग्रीन है और एक ब्लैक है, कोई भी ब्रांड ले लो, इंडिया में तो कुछ भी चलता है। और ये भी मर्जी चाहे आप डाल दो जितना भी आप है, आपको पसंद हो। कहीं बाहर जाओगे तो ये लोग तो क्या है गिनती के डालते हैं, कहीं पे भी आप पिज्जा खाओ सबवे में खाओ इनके 3 ऑलिव डालते हैं। पर घर घर पे खाने का यही फायदा है, तो एक हेल्दी और आपको जितनी टॉपिंग जितना भी डालना हो आप डाल सकते हो। प्लस आपको ये पिज्जा ऐसे देखे जाओगे तो काफी सस्ता पड़ेगा। अब ये रेडी हो चुका है अवन में जाने के लिए, थोड़ा सा और, यस कंप्लीट।
ऊपर और चीज़ डालने का रीज़न ये है कि चीज़ अगर मेल्ट होगी तो क्या है कि सारे टॉपिंग्स और साथ में लेके मेल्ट होगी, तो जब आप बाइट लेते हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब तब आप पूरा एक साथ फ्लेवर सारे के सारे कंज्यूम कर पाओगे। और अगर स्पाइसी ज़्यादा करना हो तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, और ये रेडी हो चुका है अवन में जाने के लिए। अवन, जैसे कि आप देख रहे हो 10 मिनट्स का टाइमर था, वो भी हो चुका है ख़त्म। मैं तो ज़्यादा लोड लेता नहीं हूँ, इसको सीधा उठाया और अगर ये अभी गिरा बहुत गाली पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। और अगर आपके पास अभी इसको आपको कितना मिनट रखना है, ओके, तो ये अगर आप देख लो ये वाला जो बीच वाला जो सेटिंग है ये वाला, वो रख देना, टेम्परेचर 200 पे ले लेना और सीधा इसको ले जाओ 18 मिनट तक। काफ़ी है, अब जब रेडी हो जाएगा तब वापस से इसको हम, तब मैं प्रॉपरली निकालूंगा ग्लव्स व्लव्स पहन के एंड फिर आपको जस्ट एक फर्स्ट लुक दे दूंगा। टेस्ट करके दिखाने का मतलब नहीं है क्योंकि मतलब वो टेस्टी ही रहना है यार अभी। ऑलराइट, तो हम लोग मिलते हैं 10 मिनट के बाद। किसी भी सेकेंड टिंग बज सकता है। आप रिफ्लेक्शन आ रहा है बट रेडी तो हो गया है। ऑलराइट, और ये हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है, हमें सिर्फ उसको अंदर से निकालना है जो अपने आप में एक टास्क है। ओके ओके, और ये रेडी हो चुका है, ये सीधा स्लाइड कर दो। ओ तेरी, गाइस आप लोग देख सकते हो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, अब इसकी कटिंग हो जाएगी ज़रा सी और फिर हम इसको चबाएंगे और दूसरा वाला बनने के लिए रेडी हो रहा है ये। ये मुझे दो हाथ से ही करना पड़ेगा बट एनीवेज, तो बेसिकली ये था पिज़्ज़ा और मैं इसको खाली कट करके छोटा सा वीडियो और बना देता हूँ। मैंने 4 स्लाइस में इसको किया हुआ है बिकॉज वो क्या है कि जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।